जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी ने जब हाथों में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई शुरू की तो जिले का पूरा प्रशासनिक अमला भी इसमें शामिल हो गया। क्या अधिकारी क्या कर्मचारी, सब मैडम टीना के साथ झाड़ू लेकर सड़क पर सफाई करने लगे। जैसलमेर में स्वच्छ जैसाणा अभियान के तहत गांधीनगर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्वर्ण नगरी को और चमकाने की कोशिश नजर आई। जिला कलेक्टर टीना डाबी के साथ नगर सभापति हरिभल्लभ कल्ला भी अपने हाथ में झाड़ू लेकर जुट गए। जिले के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने डीएम मैडम के साथ सबको स्वच्छता का संदेश दिया। साफ सफाई के बाद कलेक्टर टीना ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। टीना मैडम जब से जैसलमेर में जिला कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठी हैं, तब से वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। टीना ये बात पहले भी कह चुकी हैं कि वो जैसलमेर जिले को और सुंदर और स्वच्छ देखना चाहती हैं। टीना के मुताबिक जैसलमेर जिला उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है, जिसके लिए वो चाहती हैं कि ये जिला और बड़ा टूरिस्ट हब बने। अलग की नई छवि के साथ दिखेगा, जो कि साफ स्वच्छ और सुंदर होगा। कब तक चलेगा ये अभियान? ये अभियान अनवरत रूप से चलेगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस रैंकिंग में अव्वल लाएं और राजस्थान में कम से कम प्रथम आए। किस कौन कौन आज सहयोग किया लोगों ने? आज जिला प्रशासन के सभी अधिकारी थे, जिला कलेक्टर महोदया थी, आयुक्त महोदय थे, जेरा राम जी थे, नारायण जी थे, हरि सिंह जी थे, यशो राम जी थे और सभी अधिकारी। कलेक्ट्रेट टीना ने कुछ दिन पहले बारिश के बाद एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें स्वर्ण नगरी के किलों की खूबसूरती और हरियाली दिखाई थी। टीना ने उस तस्वीर के लिए एक कैप्शन भी लिखा था कि कौन यकीन करेगा कि ये रेगिस्तान है। टीना डाबी कहती हैं कि बारिश का मौसम उन्हें काफी पसंद है और जब बारिश उनकी फेवरेट सिटी जैसलमेर में हो रही हो तो फिर क्या ही कहने। सोशल मीडिया पर टीना ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि जैसलमेर से वो अपना दिल लगा बैठी हैं। टीना के फैंस भी अब उनके काम की काफी तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।